तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। तो सम्मानों की कड़ी में आज का सम्मान है, मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ, मैं अपनी औकात में खुश हूँ, जैसी भी है जात में खुश हूँ, नहीं किसी से कुछ चाहा है, मैं तो हर हालात में खुश हूँ। खुशियाँ रूठ गई तो क्या गम है, गैरों की बारात में खुश हूँ, उन्हें मुबारक उनका सूरज, मैं तो अपनी रात में खुश हूँ। जब तक हंसी नहीं आती, आंसू की सौगात में खुश हूँ, दर्द सहन करना क्या आया, अपनों के आघात से खुश हूँ। जश्न जीत का खूब मनाओ, मैं तो अपनी मात में खुश हूँ, इसका मतलब जो भी निकले, मैं तो बस बरसात में खुश हूँ, वो दिमाग से सोचे, मैं तो दिल की बात से खुश हूँ, मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा। तो बाबा ने क्या कहा है इसमें, सदा खुशी के खजानों से खेलने वाले होना। खुशी भी एक खजाना है, जिस खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना सकते हो। आज विशेष इसी खजाने की आवश्यकता है, और सब हैं लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है, अनगिनत खजाना मिल गया है। खुशी के खजाने में भी वैरायटी है ना, कभी किस बात की, कभी किस बात की खुशी, कभी बालकपन की खुशी तो कभी मालिकपन की खुशी। कितने प्रकार के खुशी के खजाने मिले हैं, वो वर्णन करते हुए औरों को भी मालामाल बना सकते हो। तो इन खजानों को सदा कायम रखो और सदा खजानों के मालिक बनो। बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों को कार्य में लगाते रहो। बाप ने तो शक्तियां दे ही दी, अब सिर्फ उन्हें कार्य में लगाओ। सिर्फ मिल गया इसमें खुश नहीं रहो, लेकिन जो मिला वो स्वयं के प्रति, सर्व के प्रति यूज करो, तो सदा मालामाल अनुभव करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, एक व्यक्ति जो अपने जीवन से निराश होकर अपने जीवन का अंत करने के लिए
एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है। दूर पहाड़ी पर जाता है तो पहाड़ी जब की चढ़ाई पर चढ़ता है, ऊपर चढ़ने के बाद वो देखता है कि सामने एक व्यक्ति है जो खुश हो रहा है। वो कौन व्यक्ति है? जिसके दोनों हाथ नहीं है, वो नाच रहा है। तो उसको देख के उस व्यक्ति के मन में संकल्प पैदा होता है कि इस व्यक्ति को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जिस कारण से ये खुशी में नाच रहा है, इसको क्या मिल गया ऐसा। तो इन्हीं सवालों के बीच में वो सोचता है, चलो जाना तो है ही है, एक बार उस व्यक्ति से क्यों ना मिल लिया जाए, उसके बाद फिर ये भी कर लेंगे। वो फिर पहाड़ी नीचे उतरता है तो उस व्यक्ति के पास में जाता है, तो उसको देख के कहता है कि ऐसा तुम्हें कौन सा खजाना मिल गया है, कौन सी तुम्हें लॉटरी लग गई है जिस कारण तुम इतने खुश दिखाई दे रहे हो, बल्कि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने कि तुम्हारे में जो निराश होने के लिए, जीवन में निराश होने के मेरे से ज़्यादा कारण तुम में दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी तुम खुश हो, तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम खुशी में नाच रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि ना तो मुझे कोई खजाना मिला है और ना ही मैं खुशी में हो नाच रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे दोनों हाथ नहीं है, मेरी पीठ में खराश हो रही है, उसको मैं कर नहीं, खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, तो उसको मैं खुजा नहीं पा रहा, तो इसलिए थोड़ा उछल कूद कर रहा हूँ जिससे उसकी जो खुजली है वो थोड़ी कम हो जाए। तो वो व्यक्ति भी जोर से हंस पड़ता है। तो उसकी बात सुनकर तो उसके मन में संकल्प भी आता है, देखो कि ये व्यक्ति है जिसने भी जीने की अपनी चाह नहीं छोड़ी है, मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं अपने लिए जीने के लिए इस चाह को क्यों छोड़ दूं। तो तुरंत उसके मन के जो विचार होते हैं, थोड़ी सी हंसी आई, उसके मन के विचारों में परिवर्तन आ जाता है। तो एक सेकंड की खुशी जो मिली उसकी पूरी जिंदगी के लिए एक प्रेरणा का कारण कहें या जीवन परिवर्तन का कारण बन जाता है। तो आज के हम देख रहे हैं कि दुनिया में कितने इंसान हैं, दुनिया में देखते हैं धन की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, लेकिन खुश एक चीज की कमी है जो है खुशी की। वो लोग भी अपने तरीके से खुश रहने की बहुत कोशिश भी करते हैं, वो लोग साधन अपनाते हैं खुश रहने के लिए, लेकिन वो टेम्परेरी थोड़े समय के लिए खुशी दे पाते हैं, लेकिन हाँ बच्चों का नाम खुशी रख देते हैं, लेकिन खुशी हो ना हो, जैसे बोलते हैं ना, नाम खुशी है लेकिन जीवन में कभी खुशी देखी नहीं, ऐसा हाल होता है। नाम संतोष है, जीवन में कभी संतोष नहीं। तो ऐसा है, तो वो खुश रहने के लिए कौन कौन से साधन अपनाते हैं, हम देखते हैं कि कुछ लोग घूमने फिरने को, इसी को एंजॉय समझते हैं, खुशी समझते हैं, समझते घूमने फिरने से खुशी मिल जाएगी, इसी घूमने के लिए जैसे पहाड़ियों पर जाते हैं या दूर दूर कहीं स्थानों पर जाते हैं, और कुछ लोग खाने पीने को, अच्छा अच्छा खाने पीने को मिल जाए इसी में खुशी मिल जाती है, और कुछ लोग क्या करते हैं टीवी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी साधन अपनाते हैं, डिजिटल साधन जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब में अपने आप को व्यस्त करके मनोरंजन करने के लिए अपने आप को खुश करते हैं। और कुछ है, हाँ दूसरों को तंग करना, इसमें भी कुछ लोग खुशी समझते हैं, हाँ उसमें बहुत मजा आता है, दूसरों को टोंट मारना, पिंच करना, कोई ना कोई बात ऐसी निकालना जिसमें उनको खुशी मिलती है, सामने वाला भले ही कैसा भी हो जाए, निराश हो जाए। फैशन जैसे देखा गया, ये हैबिट थोड़ा सा बहनों में ज्यादा होती है कि फैशन की, ऐसा नहीं कि भाई की भी कम है। हाँ तो शॉपिंग करना, बहनों में भी ये आदत ज्यादा होती है कि शॉपिंग करने से उनको खुशी मिलती है, ऐसे देखते हैं। भाइयों का तो खर्च होता है ना, जेब से जाता है, तो उनकी खुशी तो गायब हो जाएगी। तो और देखते हैं कि खुशी का हर एक के लिए जो पैरामीटर होता है ना, अलग अलग होता है। जैसे जैसे एक बिजनेसमैन होगा,
या उद्योगपति होगा, उसको क्या होता है, अच्छा ग्राहक मिल जाए, अच्छी बोनी हो जाए ना बोलते हैं, तो उसमें वो खुश हो जाते हैं। और उसी के पास जो काम करने वाला एम्प्लॉयज हैं, उनको खुशी कब होती है, जब इंसेंटिव हो गया, और उससे पहले जब महीने का लास्ट डे होता है, जब सैलरी डे होता है, तो उस दिन उनको खुशी मिल जाती है। हाँ, जब लास्ट वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, तो उस दिन बहुत खुश होते हैं कि आज थोड़ा सा, हाँ, किसी की सैलरी बढ़ जाती है उसमें खुश हो जाते हैं, किसी की लॉटरी लग जाती है उसमें खुश हो जाते हैं। देखा गया है बहुत सारे वो साधन अपनाते हैं, लेकिन इन साधनों को अपनाते हुए भी उन्हें खुशी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो सभी चीजें जो हैं अस्थाई हैं, थोड़े समय के लिए हैं, आज है कल नहीं है, या ये कहें अभी है थोड़े समय बाद नहीं है। वो तुरंत के तुरंत ही, जैसे दिन में मूड चेंज होती रहती है, अगर दिन में कितने पहर हैं, जिन जितने लोगों से मिलेंगे, हर एक अपने एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नई मुस्कान के साथ कहें, या एक अलग नजरिए से मिलता है, और जैसे जैसे मिलते रहते, कोई सामने वाला सैड है तो उसको देख के खुद सैड हो जाते हैं, स्टोरी सुन ली किसी की थोड़ी सी ऐसी तो उसको सुन के उदास हो जाते हैं, किसी ने कुछ अच्छी बात सुना दी तो उससे खुश हो जाते हैं। तो देखते हैं हम कि ज़्यादातर लोगों का क्या है, खुशी का रिमोट हमने क्या कर रखा है, दूसरों के हाथ में दे रखा है। और उसमें जैसे टीवी में भी अलग अलग चैनल होते हैं ना, जिसमें कार्टून नेटवर्क होता है, डिस्कवरी होता है, या न्यूज़ का चैनल है, तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे उसके एक्सप्रेशन बदलते जाते हैं, उसी प्रकार जैसा व्यक्ति सामने आ गया वैसे एक्सप्रेशन होते जाते हैं, खुश है तो खुशी मिल जाएगी, जो दुख वाला आ गया तो दुख मिल जाएगा, तो इस प्रकार के उनके मूड चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में हम देखते हैं कि हम भी अपने लिए देखते हैं कि इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन अपनाते हुए भी, शुरू शुरू में तो हम जब ज्ञान में आते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, सब खुश होते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ें सभी नई होती है, नया ज्ञान होता है, नया ब्राह्मण परिवार होता है, नई स्नेह से पालना होती है बहुत सारी, तो उसमें जैसे 1 साल 2 साल तो पता ही नहीं लगता कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, इतनी खुशी होती है, तो हाँ उस समय उड़ रहे होते हैं। हाँ, तो जैसे जैसे धीरे धीरे करके समय परिवर्तन होता जाता है, समय बीतता जाता है, तो खुशी धीरे धीरे करके अलोप होती जाती है, बढ़ती नहीं जाती, अलोप होती जाती है। तो हम देखते हैं कि सदा खुश कौन रह सकता है, इसके लिए भी कुछ पॉइंट है कि पहला पॉइंट हम देखते हैं जो सरल चित्त है, अपने आप को हर एक चीज में, हर एक परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वो व्यक्ति खुश रह पाते हैं। और दूसरा, जिनकी इच्छाएं कम हैं वो खुश रह संतुष्ट हैं, हाँ, जो संतुष्ट रहते हैं वो भी खुश रह पाते हैं, और जिन्होंने अपने जीवन का आधार सिर्फ एक बाप को बना रखा है, क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं ना, वो भी खुश नहीं रह पाते। और कौन खुश रह पाते हैं, जो दूसरों को खुशी बांटते हैं। और कौन खुश रह सकते हैं, हाँ, जो अपने आप में बिजी रहते हैं। और कौन खुश रहते हैं, जो खुश रहते हैं, जिन्हें खुश रहने का तरीका पता है। और दूसरा, जो ज्ञान बांटना जानते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, वो देखते हैं, वो व्यक्ति दूसरों से दुआएं भी कमाते रहते हैं, और जो ज्ञान का चिंतन करते रहते हैं, जो चिंतन करेगा वो ज्ञान बांटेगा भी जरूर। तो खुशी के लिए हम इन चीजों को अपनाते हैं। और कुछ लोग हल्के रहते हैं चीजों को, कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी करना पड़ता है और स्वीकार भी करना पड़ता है, सब चीजों को हम बदल नहीं सकते, सब चीजों को हम उनके अनुसार नहीं चल सकते, अपने आप कुछ नहीं चला सकते, तो कहीं कहीं चीजों में अपने आप को स्वीकार करना, छोड़ना तो करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। तो ये चीजें होगी कि खुशी के लिए हम क्या क्या चीजें अपनाते हैं। हाँ, अनुभवी तो खुश होगा, और जो परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, जिनके अंदर परिस्थितियों का सामना करने का बल है, शक्ति है, वो भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि जीवन ऐसा है कि परिस्थितियां ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो जी हाँ, जो थोड़ी सी सफलता मिल जाती है,
हम देखते हैं कि हमारी सफलता अलग है जो ब्राह्मण जीवन में है, कोई अनुभूति हो जाती है या कोई हमने लक्ष्य रखा है किसी चीज़ को पाने के लिए, उसमें अगर हमें वो उस लक्ष्य को हम अगर हम पा लेते हैं तो हमें खुशी मिल जाती है। और देखते हैं कि खुशी मिलने से ज़्यादा कि खुशी गायब होने के कुछ पॉइंट देखते हैं, कि बहुतों की खुशी है जो जो सदा काल के लिए खुश नहीं रह पाते हैं, तो उनके भी कुछ रीज़न हैं खुश नहीं रह पाते हैं। तो पहला है उसमें कि कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं। जब हम बाप को छोड़कर दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी खुशी गायब होने लग जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। जितना हम दूसरों को देखते हैं तो उसमें जितना ना ज़्यादा नज़दीक आते हैं तो किसी न किसी की कोई ना कोई कमी कमजोरी हमें दिखाई देने लग जाती है, तो हम फिर क्या हो जाते हैं, थोड़े नाखुश हो जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा ने कहा है इसके लिए कि बच्चे सिवाय एक बाप को तुम्हें किसी को नहीं देखना है। जब हम बाप को देखते हैं उसी को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। वैसे भी देखा जाए हर एक व्यक्ति निराधार है। हम सभी वैसे दुनिया में भी ये शब्द बोलते हैं कि अकेला आया था और अकेला जाना है। हाँ, जीवन जीने के लिए सबसे व्यवहार अच्छा किया जाए और सबसे मिलजुल कर रहे वो बात अलग है, लेकिन अगर जीवन का आधार ही इंसानों को बना लिया जाए तो इंसानों की तो स्थिति मनोस्थिति सब बदलती रहती है ना, तो वो सदा एक जैसी नहीं हो सकती। तो इस कारण भी जब हम अपना आधार या दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। और क्या हो सकता है खुशी गायब होने का कारण? हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं अतीत की बातों का चिंतन करते रहते हैं। अतीत में बहुत सारी ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं या वर्तमान में भी ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनका चिंतन करते करते दुखी हो जाते हैं। देखते हैं हम सभी कलयुग में रह रहे हैं, जैसे बोलते हैं अगर हम आग में रहें और सेक ना लगे तो ऐसा कैसे हो सकता है। कलयुग में रह रहे हैं, सबकी वृत्तियां तमो प्रधान हो गई है, सात्विक नहीं है अभी और ना ही इस धरा पर देखते हैं देवताएं हैं। बहुत सारे जैसे बाबा बोलते ना इस समय के जो भी बच्चे भी हैं या दुनिया में हैं बिच्छू टिंडन के समान दुख ही देते रहते हैं। तो उन परिस्थितियों में उन चीजों का सामना हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन उन परिस्थितियों को में अपने आप को इतना ज्यादा ना इन्वॉल्व कर दें कि उनसे निकल ही ना पाए। हमें एक तरीका भी अपनाना चाहिए, आना चाहिए उन चीजों से बाहर निकलने का। देखते हैं कुछ लोगों को जैसे जीवन में दुख है तो जीवन भर उस दुख को पकड़ के रखे रखेंगे कि मेरे जीवन में ये दुख आया, ये कष्ट आया, तो बोलते हैं छोड़ो तो छूटो। जिन अगर हम चीजों को अगर ज्यादा समय तक पकड़ के रखते तो उससे हमें ही दुख होता है। वो बताते हैं ना, एक व्यक्ति हाथ में गिलास ले लेता है तो अपने स्टूडेंट से पूछता है, टीचर होता है और अपने स्टूडेंट से पूछता है, अगर मैं इस गिलास को 5 मिनट के लिए पकड़ के रखूँ तो क्या होगा? तो हाथ थोड़ा दर्द करने लगा। अगर कहा कि मैं 1 घंटे के लिए इस गिलास को पकड़ के रखूं तो और ज्यादा दर्द। अगर मैं दिन भर के लिए या लंबे समय के लिए इस 1 महीने के लिए इस गिलास को पकड़ के रखूं तो कईयों ने कहा कि इससे आपको पैरालाइज भी हो सकता है। तो हम भी क्या करते हैं, पुरानी बातों को जिससे कोई मतलब नहीं, ना तो हमें उससे कोई सीख मिल रही है ना ही जीवन में कुछ परिवर्तन, सालों साल हमने उस बात को पकड़ के रखा है, तो जिससे क्या हो गया, दिमाग को पैरालाइज हो जाता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे बुद्धि का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर बुद्धि को ही हमने एक जगह पर केंद्रित कर दिया, एक चीज के ऊपर, एक परिस्थिति के ऊपर, तो वो आगे कैसे बढ़ सकेंगे। और दूसरे देखते हैं और कौन व्यक्ति निराश होते हैं अपने जीवन में, जिनके जीवन में खुशी गायब हो जाती है, जो बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं या कह सकते हैं इच्छाएं रखते हैं, क्योंकि इच्छाएं आकांक्षाएं इस दुनिया में जितनी रखते हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती। एक रखी पूरी हुई फिर दूसरी की इच्छा हो जाती है। इच्छाएं जिसको बोला जाता है ना, इच्छा मृग तृष्णा के समान होती है। हाँ, जैसे दिखाते ना हिरन भागता रहता है वो पानी की तलाश में, लेकिन पानी तो मिलता नहीं, वैसे का इंसान आज हो गया, भागता रहता है इच्छाओं के पीछे, साधनों के पीछे में, धन के पीछे में भागता रहता है,
आखिरकार धन धन करते करते आखिर क्या हो जाता है, धन धनाधन निधन हो जाता है, धराशाही भी हो जाता है। तो बाद में वही उनके पिक्चर के ऊपर ये लगा दिया जाता है निधन है, कितना भी धन धन करो, साधन जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, नई इच्छाओं की पूर्ति होती है। आज एक अच्छी गाड़ी ले आए, कल को दूसरे सामने वाले के पास कोई अच्छी गाड़ी आ गई तो उसे देख कर इच्छा पैदा होगी कि मेरे पास इससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। किसी ने अच्छा मोबाइल ले लिया तो उसको देख के ये आएगा, इसने महंगा मोबाइल ले लिया और ये मोबाइल मेरे पास होना चाहिए। किसी ने अच्छा घर बना लिया, और कुछ लोग तो इसी ईर्ष्या में जल के मर जाते हैं कि पड़ोसी के पास अच्छी, मेरे से अच्छी चीज क्यों है। हाँ, कंपैरिजन भी करते। तो हाँ, अगले पॉइंट में देखते हैं कि तुलनात्मक। कईयों के जीवन क्या होते हैं, सारा उम्र ही, सारा जीवन ही तुलना करते रहते हैं दूसरों के साथ में। हम इस संसार में कितनी करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से एक जैसा हो ही नहीं सकता। हरेक के अंदर अपनी कलाएं हैं, अपनी विशेषताएं हैं, हम चाहे भी तो उसके जैसा नहीं बन सकते। हाँ, कुछ एक विशेषताओं को, कुछ एक कलाओं को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे बाबा ने भी कहा है कि गुणग्राही बनो, लेकिन हम टोटली उनके पीछे पागल हो जाएं, मुरीद बन जाना जिसको कहें कि उसके जैसा बन जाएं, नहीं हो सकता। तो ये निराशा का कारण बन जाता है। हम देखते हैं दुनिया में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, फिल्मी एक्टर होते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम उनके जैसा बनने की, कोई सलमान खान है, कोई अमिताभ बच्चन, उनके जैसी आवाज़ निकालेंगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो इसी चक्कर में जैसे बोलते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल जाता है। तो जो उनका व्यक्तित्व होता है वो तो लोप ही हो जाता है ना, ख़त्म हो जाता है। हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे, उनकी कॉपी करके हम अपने आप को जी रहे हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं कुछ लोग जो महारथी हैं उनकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, उनमें जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, जो उन्होंने अपने जीवन को बनाया, उनको जरूर कॉपी करें कि कैसे उन्होंने जीवन को बनाया। और कुछ लोग उनको, जैसे कुछ लोग सूरज भाई की तरह बनना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर सचिन की तरह बनना चाहते हैं। हर एक ने अपने अपना रोल मॉडल तैयार कर रखा है, ठीक है, लेकिन उनका त्याग कितना है, उन्होंने क्या तपस्याएं की है, क्या साधनाएं की हैं, उन चीजों को देखें ना हम। हाँ, उन, हाँ, भोजन छोड़ दिया। हाँ, बहुत सारी साधनाएं होती हैं। एक व्यक्ति हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति आज हमारे सामने फ्रंट में है, वो व्यक्ति फ्रंट में इतनी ऊंची स्टेज पर ऐसे ही नहीं पहुंचा। हम सिर्फ उनको सामने आता हुआ देख के बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, उन चीज़ों को देख के हम खुश हो जाते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम बैकग्राउंड में जाएंगे, उन व्यक्तियों ने भी, उन आत्माओं ने भी क्या क्या पुरुषार्थ किया, क्या क्या प्रयास किया ऐसा बनने के लिए। हर एक व्यक्ति जब अपनी अलग पहचान बनाता है तो ही विश्व के सामने या दुनिया के सामने स्पष्ट हो पाता है। कॉपी वाले को नहीं पहचाना जाता, उसकी कॉपी है ये, उसकी कॉपी है, कितना जानते हैं, नहीं पहचान। जब हम अपनी अलग पहचान, नई पहचान बनाते हैं तो ही हम दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रूप बन जाते हैं। वर्तमान समय में प्रेसिडेंट, हाँ, तो देखते हैं हम वो उनके जीवन में जो जो समस्याएं, जो जो स्ट्रगल किया। हम देख रहे हैं अभी प्रेसिडेंट बन गई, इंडिया की प्रेसिडेंट, एक साधारण परिवार से, एक आदिवासी गांव से, जहां पर कुछ भी सुख सुविधा के साधन नहीं है, और ऐसे एरिया से जहां से हम सोच भी नहीं सकते एक व्यक्ति इतने बड़े लेवल पर पहुंचेगा। लेकिन वो पहुंचा कैसे, उनके जीवन में जो संघर्ष था, उनको तो वही जानते हैं ना। एक बार छोटा सा इंटरव्यू था लता मंगेशकर की जी का, तो उनसे पूछा गया कि आप अगली बार अगर यही गायक बनना चाहें तो बनेंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, लता मंगेशकर का जो जीवन है वो लता मंगेशकर ही जानती है, उन्होंने जो संघर्ष किया वो उनको ही पता है। अगला जन्म मिले, उन्होंने कहा था अगला जन्म ना मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिले तो मैं लता मंगेशकर दोबारा नहीं बनना चाहूँगा। हम सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं कि जो सामने आ गई। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ ऊपर से ज़्यादा नीचे में होता है, उसकी जड़ें जमीन के अंदर होती है, उसने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया, परिस्थितियों का सामना किया है,
ना, परिस्थितियों में धूप का सामना किया है, बारिश का सामना किया है, हर एक चीज का सामना करने के, हवा का सामना किया है, जो तूफानों का सामना किया है, इतना कुछ सामना करने के बाद आज उसने मजबूत अपने आप को बनाया है जो एक जमीन के ऊपर स्थिर रख सके। ऐसे ही कोई व्यक्ति सामने नहीं आ जाता, ऐसे ही कोई चीज ऊंची नहीं चली जाती है। हमें अपने जीवन में अगर इन चीज़ों को अपनाना है, उनके जैसा बनना है, तो उनके जैसी विशेषताओं को, उनके जैसे त्याग को, उनके जैसी साधनाओं को, उनके जैसे चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, तभी हम ऐसा बन सकते हैं। तुलना करनी है तो गुणों की करें, विशेषताओं की करें, कलाओं की करें। देखा है किसी किसी के अंदर वाक सिद्धि अच्छी होती है, वाक कला अच्छी होती है, बहुत अच्छा बोलते हैं, स्पीकर अच्छे होते हैं, लेकिन जब तक जीवन में फेलियर का सामना नहीं करेंगे, तब तक जो कभी मेरे जैसा कभी माइक पे बैठा ही नहीं होगा, तो फिर हजारों की सभा में कैसे भाषण कर सकता है। नहीं, हजारों की सभा नहीं। तो जीवन एक ऐसा है कि हम जब अपने आप को देखते हैं, ना कि तुलना करना शुरू कर देते हैं, तो तुलनात्मक जीवन वाला व्यक्ति कभी भी अपने आप से खुश नहीं हो पाता। और देखते खुशी गायब होने का कारण, अगर किसी भी प्रकार की ब्राह्मण आत्मा बनने के बाद कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटी है, किसी भी प्रकार का विकार है, चाहे काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, किसी भी प्रकार का है, वो व्यक्ति सदा खुश नहीं रह सकता। क्योंकि जिसके अंदर कोई भी विकार है तो ज़्यादा चिंतन विकारों का ही रहता है। जब चिंतन ही विकारों का, किसी न किसी चीज़ का चल रहा है, तो खुशी का चिंतन कैसे हो सकेगा, खुश कैसे रह सकेगा। ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर हम इन बातों का चिंतन करते रहते हैं, विकारों के अंदर कोई ना कोई बात सोचते रहते हैं, तो खुश नहीं रह सकते। और क्या क्या चीज़ें हो सकती है खुश रहने के लिए? श्रीमत का उल्लंघन ना कर। और कुछ लोग, हम लोगों को हम देखते हैं कि कुछ लोगों की भाषा कहें या भाषा शैली कहें, ऐसी होती है जिसमें दुख समाई होता है। जैसे हम शिव बाबा से शक्तियां लेते हैं ना, शांति की शक्ति लेंगे, पवित्रता की शक्ति लेंगे, तो उनमें और शक्तियां भी समाहित होती हैं। जब बाबा कभी सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं, तो उसमें वाणी के साथ साथ स्नेह और शक्ति दोनों समाई होती है। उसी प्रकार कई आत्माओं में वाणी के साथ साथ क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, ये सभी बातें समाई हुई होती। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी छीन रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, दूसरों को कष्ट दे रहा है, वो सदा कैसे खुश रह सकता है? और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर उनके करेक्शन किया जाए कि आप ऐसी भाषा क्यों बोलते हो, बड़े करेक्शन करेंगे, छोटे करेंगे तो बम ब्लास्ट हो जाता है। बड़े करेंगे तो कि आपकी भाषा ऐसी है, तो कहेंगे कि क्या करे दीदी जी, क्या करे भाई जी, हमारी भाषा ही ऐसी है, हम ऐसा बोलना नहीं चाहते थे। तो बाबा ने संडे की मुरली में कहा था ना कि जो साइंस के साधन है, माइक है, स्पीकर है, उसे क्या कर सकते हैं, आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप साइलेंस की पावर से अपनी वाणी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या कहा था बाबा ने, आपसे तो वो अच्छे हैं, ठीक है ना, टेप रिकॉर्डर अच्छा है जिसकी वाणी कम और ज़्यादा कर। और कुछ लोगों के अंदर होता है कि सच तो जरूर बोलते हैं, लेकिन वो सच इतना कड़वा होता है, जैसे पत्थर मारते हैं ना, और नदी में पत्थर मारते हैं तो लहरें उत्पन्न होती हैं, लेकिन वो ऐसा पत्थर मारते हैं कि सामने वाले की खुशी, जीवन में उमंग, उत्साह, सब धराशायी कर ध्वस्त कर देते हैं। जैसे एक लड़ाई होती है ना युद्ध के बाद, क्या देखते हैं हम, पूरा मिट्टी मिट्टी, मुर्दे पड़े होते हैं, सब कुछ हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। तो भी ऐसा करते कि उसके जीवन में सन्नाटा या भूकंप आ जाता है, ऐसा हाल कर देते हैं। तो बोलते हमने तो सच ही कहा था ना। तो इसके लिए भी बाबा की श्रीमत है, बच्चे भले सच कहा, लेकिन सच भी अगर सभ्यता पूर्वक और नम्रता पूर्वक कहा जाए तो वो बात बुरी नहीं लगती है, लेकिन वो हैबिट को अपनाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि मेरी इस बात से किसी को दुख भी हो रहा है। हम बोलते हमने तो नॉर्मली बोल दिया था, साधारण शब्दों में बोल दिया, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद हमारा जैसे ज्ञान सूक्ष्म है, वैसे वैसे हमारी जो धारणाएं हैं या संकल्पों की गति है या पाप की गति है, वो भी सूक्ष्म होती जाती है।
ब्राह्मण नहीं थे, जब बाहर की दुनिया में है तो बड़ा पाप भी कर देते हैं, तो उसका जैसे बोलते इतना ज्यादा वो नहीं लगता। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद अगर हम छोटा भी कुछ संकल्प में भी किसी आत्मा के प्रति ऐसा कुछ सोच लेते हैं तो उससे भी हमारी खुशी गायब हो जाती है ना। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि जिनके मन के अंदर बहुत ज्यादा व्यर्थ चलते रहते हैं, व्यर्थ विचार, नकारात्मक किसी भी कारण से, और कोई बात हो भी हो या ना हो, लेकिन नकारात्मक विचार चलते रहे, या तो अपने बारे में या दूसरों के बारे में या किसी और चीजों के बारे में, तो वो व्यक्ति भी सदा खुश नहीं रह पाते, क्योंकि नकारात्मकता खुशी गुम करने का एक जैसे रीजन बन जाती, कारण बन जाती है। तो हम सब सदा ही अपने जीवन में सकारात्मक भाव को अगर अपना के रखते हैं और जीवन में सदा ही आशावादी बने रहें, जब हम आशावादी बनते हैं तो हमारे जीवन में नए नए आयाम खुलते जाते हैं, हम उन चीज़ों को जल्दी कैच कर सकते हैं जो हमारे जीवन में खुशी ला सकते हैं, और हम जीवन में ऐसे ऐसे साधन अपनाते रहें जो जीवन को खुशी में ला सकें, और ना कि ऐसे साधन टू मच चीज़ों में जाना, जैसे साधन है जो भी है उनमें टू मच चले जाना तो वो खुशी को गायब करने का कारण बन जाते हैं। और क्या है खुशी गायब करने के चीज़ें, किसी भी प्रकार का बोझ हो, कोई ना कोई प्रकार का बोझ, चाहे व्यर्थ का है, चाहे नेगेटिव चीज़ों का है, चाहे श्रीमत की अवज्ञा करते हैं उसका बोझ है, मैंपन का, मेरेपन का, या शारीरिक भान का, उस चीज का भी बोझ है, तो उसमें खुशी गायब हो जाती है। क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो बहुत बहुत अति सूक्ष्म है, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कारण नहीं होता लेकिन खुशी गायब हो जाती है, लेकिन उसका हम कारण देखते हैं कि कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी, अगर हम एनालिसिस करते हैं तो छोटी सी छोटी भी अवज्ञा हमारे जीवन में होती है जिस कारण से खुशी गायब हो, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि जिससे खुशी गायब हो जाए, लेकिन रीजन होता है जिसके कारण खुशी गायब हो जाती है। और हम देखते हैं, हाँ बोलते हैं किसी किसी की जैसे आदत होती है खुश है ही नहीं है, हाँ ना खुश है, खुश नहीं रहते हैं, उनसे पूछा जाए कुछ हो गया क्या आपके जीवन, नहीं कुछ नहीं हुआ, हाँ शक्ल ही ऐसी शक्ल ही ऐसी है रोने जैसी, तो शक्ल तो परिवर्तन हो जानी चाहिए, अगर बोलते हैं ना फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, हमारे अंदर में जो चल रहा है वो चेहरे पर जरूर दिखाई देता है, लेकिन हमारा चेहरा एक दर्पण की तरह होता है, और अंदर में खुशी की बात हो और उसका चेहरे के ऊपर दिखाई ना दे, हाव भाव दिखाई ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो खुशी का कारण, और देख खुशी गायब होने का कारण, कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारी आत्माएं होती हैं पास्ट के हिसाब किताब कहो या पास्ट की कुछ ऐसी बातों के कारण, जो विकर्म है जिसका बोझ के कारण बार बार बीमार होते रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी होती रहती है, कोई ना कोई हिसाब किताब होता रहता, तो उसके कारण भी खुशी गायब हो जाती है। स्वजनों की मृत्यु है या पास्ट में ही कुछ ऐसे, कभी कभी देखते बचपन से ही कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहता है, पैदा हुआ हो और जैसे जैसे पैदा होते ही बीमारी को लेके पैदा हुआ, फिर बड़े होते फिर अलग बीमारी आ गई, इस प्रकार से कई बीमारियां जीवन में आती रहती हैं। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने हमें इन बातों को स्पष्ट कर दिया कि बच्चे ये तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है, अगर भविष्य को बदलना है या वर्तमान को बदलना है तो सबसे पहले हमें वर्तमान में अच्छे कर्म करने चाहिए, वर्तमान में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हो सकता है कि वर्तमान में जो बीमारियां उनका बोझ कम हो जाए, जैसे हमारी एक बहन है टीचर बहन कैलाश बहन, तो उनके लिए बाबा ने कहा था कि बच्ची तुम्हारी उम्र बहुत कम है, लेकिन अभी तक वो उनकी उम्र चल रही है। तो अगर हम दूसरों को सुख देते हैं अपने जीवन में, हाँ सांप पकड़ा, बहुत सारे चीजें हैं, तो यानी अगर हम जीवन में दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों को सुख देते हैं, तो उनके द्वारा जो दुआएं मिलती है वो बहुत सारी दुआएं हमारे जीवन में आने वाली बीमारियों को कट कर देती हैं। लेकिन अगर हम बीमारियों का ही चिंतन करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखा गया इस यज्ञ में जो हमारी दादी जानकी जी थी,
बोलते कि जो उनके बहन साथ में बहन है हंसा बहन, वो भी बताती थी कि वो बहुत बीमार रहती है, उनको कोई ना कोई बीमारी आती ही रहती थी। लेकिन उन हमने बहुत सारी मुरलियां भी सुनी उनकी और बहुत सारी क्लासें भी सुनी, कभी भी किसी भी क्लास में उन्होंने अपनी बीमारी का चिंतन नहीं किया। आज दादी बीमार थी, कभी ऐसा शब्द सुना ही नहीं हमने उनके मुख से। तो बीमार होना अलग बात है, हिसाब किताब, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद हमें इन चीज़ों का रियलाइजेशन हो जाता है कि ये जो हमारे पास्ट के विकर्म है उनके कारण ये बीमारी आई है। लेकिन अगर हम उन्हीं का चिंतन करते रहेंगे तो ब्राह्मण जीवन में भी खुश नहीं रह सकेंगे। जो खुश नहीं है तो दूसरों को खुशी कैसे दे सकता है, ठीक है। ये एक चीज है कि जैसे स्थूल धन होते हैं ना, धन भी बांटते तो वो बढ़ता है, तो ये खुशी भी ऐसी चीज है, जितना हम दूसरों को बांटते हैं वो खुशी बढ़ती जाती है। कुछ यहाँ भाई भी है, जैसे हमारे सुशील भाई है, दूसरों को खुशी बांटते रहते हैं और देखा है वो भी सदा खुश रहते हैं, और देखा है और इनकी खुशी का एक और राज भी है, तो दूसरों को क्लास के टॉपिक दे देते हैं और उनके चेहरे देख देख के खुश होते रहते हैं। दूसरों को दुखी करके नहीं कर सकते हम, लेकिन अच्छी बात है। हाँ, दूसरों को खुशी बांटते हैं हमेशा ही, और जो दूसरों को खुशी बांटते हैं वो उदास नहीं रह सकते। और देखते हैं खुशी गायब होने का कारण, बद्दुआएं, लेग पुलिंग, टांग खींचना। कुछ लोगों की आदत होती है, कोई व्यक्ति जरा सा आगे बढ़ने लगे, चाहे अपने पुरुषार्थ में चाहे स्थूल चीजों में आगे बढ़ने लगे, तो कुछ लोगों को जैसे क्या करते हैं, पीछे खींचने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि ये हमारे से आगे क्यों जा रहा है। वो कोई व्यक्ति आगे जा रहा है अपने पुरुषार्थ से आगे जा रहा है, अपनी योग्यताओं से आगे जा रहा है। जैसे हम देखते हैं ना, जो नए नए ज्ञान में आते हैं तो वो पुरानों से भी आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पुरुषार्थ की स्पीड होती है पुरानों से ज़्यादा होती है। तो लेकिन जैसे जैसे जो पुराने हैं, तो या जो ज्ञान में पुराने चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये लोग हमारे से आगे क्यों जा रहे हैं, तो इस कारण से जैसे उनको ईर्ष्या होने लग जाती है। तो इस ईर्ष्या के कारण ही वो अपनी खुशी को जैसे खुशी का गला दबा देते हैं। तो लेकिन अगर हम देखते हैं, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें भी बाबा ने कहा है कि दूसरे व्यक्ति हैं आगे बढ़ रहे, तो हमें उनसे गुण उठाने चाहिए। हर एक का भाग्य अपना अपना, हर एक का त्याग अपना अपना है। हम वर्तमान में देख रहे हैं कोई व्यक्ति चलो नया ज्ञान में आया, वो एक ऊंची स्टेज पर आते ही तुरंत ऊंची स्टेज पर आ गया, तो इसके पीछे देखते कि पास्ट में उसने क्या क्या किया है, पास्ट में क्या क्या साधनाएं की है, जो गुप्त रूप में क्या कर रहे हैं वो आत्मा। जरूरी थोड़ी है कि हर एक व्यक्ति स्पष्ट करे कि हाँ मैं इतना कर रहा हूं इसलिए मैं इस पोजीशन पर पहुंचा। गुप्त आंतरिक रूप से कि आत्माएं क्या क्या कर रही है, क्योंकि आंतरिक का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। बोलते हैं जो चीजें प्रत्यक्ष हो जाती है उनकी लिमिटेशन हो जाती है, कोई चीज अति में हो जाती है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो अति मतलब अंत की निशानी। जो चीज प्रत्यक्ष हो गई है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जो आंतरिक होती है, चाहे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं चाहे त्याग की बातें हैं, बताने वाली चीजें नहीं है, लेकिन जैसे हम इन चीजों को अपनाते हैं, त्याग करते हैं या साधनाएं करते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं लिफ्ट करता है, उठा देता है। हमें उन चीजों को देखना है कि ये आत्माओं ने क्या पुरुषार्थ किया जो आगे बढ़ रहे, ना कि ये कि वो आगे क्यों जा रहा है। लेग पुली, टांग खींचना, टांग खींचने से हमारी उन्नति थोड़ी हो जाएगी, उल्टा हम हाँ कुछ लोग देखते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए उनके बारे में निंदा करने का, वो ढूंढते रहते कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके सामने में अपना उनके लिए कह सके, हम अपना दुख स्पष्ट कर सके हैं। लेकिन दुख किसका पैदा किया, अपना ही दुख पैदा किया हुआ। तो वो अगर हम उनको देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहे, वो चीजों को देखें, ना कि हम उनको पीछे हटाने की कोशिश करें। देखा गया यज्ञ में जिन लोगों को ज्यादा पीछे खींचा गया उतने ज्यादा वो आगे बढ़े। और कौन है, देखो ज्ञान किसका है, भगवान का है, और उनको साथ भी कौन दे रहा है, आगे बढ़ने वाले को भी साथ भगवान देता है, बाप साथ दे रहे हैं उन आत्माओं को, हम उन आत्माओं को पीछे नहीं कर सकते। जिसने पीछे किया वो खुद पीछे रह गया,
दौड़ लगानी है तो हम उनके साथ दौड़ने की कोशिश करें, पुरुषार्थ में आगे दौड़ने की कोशिश करें, ना कि उनको पीछे खींच के आगे जाने की कोशिश करें। देखते ना रनिंग में होती है, जैसे लंबी रेस होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैर अटका के दूसरे को गिराने की कोशिश कर देते हैं, या कुछ ना कुछ पैर भी मार देते ताकि वो गिर जाए। तो यहाँ भी तो ये चीजें करते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरों को पीछे कर रहा है या दूसरों के टांग खींच रहा है, तो वो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ सकता है? ठीक है, साथ दे दूसरों का। जो व्यक्ति देखो दूसरों का साथ दे रहा है, वो व्यक्ति भले दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो उसके मन में उसके प्रति कितना रिस्पेक्ट का भाव आ जाता है। इस व्यक्ति देखो जो टांग खींचने वाले और दूसरा साथ देने वाले, जो साथ देने वाले होते हैं चाहे नया है चाहे पुराना है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा नजरिया कैसा हो जाता है? इस व्यक्ति ने मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए साथ दिया है ना, और उसने आज देखो यज्ञ में जिस जिन कोई किसी का वर्णन करता है तो उन आत्माओं का वर्णन करते ना, जीवन में मुझे इस व्यक्ति ने साथ दिया जिस कारण से मैं आगे बढ़ सका। उनका कौन वर्णन करता है, इसने मेरी टांग खींची थी, इसने मुझे पीछे हटाया था, इसने मेरे जीवन में कुछ ऐसी अड़चन डाली थी, उनका कोई वर्णन नहीं करता। जिन्होंने साथ दिया उन्हीं का वर्णन किया जाता है ना। पीछे खींचने वालों को तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन साथ देने वालों का देखो देखो उनके मन में इतना अपना भाव हो जाता है, रिस्पेक्ट का भाव हो जाता है, तो उनकी नज़र में कितने ऊंचे हो जाते हैं। तो जिनके आगे वो आत्माएं वर्णन करती है तो दूसरों के मन में भी उनके प्रति एक सम्मान का भाव जग जाता है, ये आत्माएं ऐसी हैं तो इन्होंने दूसरों को सहयोग दिया, तो ऑटोमेटिक सम्मान बढ़ जाता है। तो वो सम्मान क्या करते हैं, खुशी देते हैं। और देखते हैं कुछ सूक्ष्म चीजें भी हैं खुशी गायब होने का कारण। कईयों को इच्छा रहती है हमें मान मिले, नाम मान शान मिले, जब वो चीजें नहीं मिल पाती हैं तो व्यक्ति निराश हो जाते हैं, खुशी गुम हो जाती है। वैसे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, नाम मान शान तो जैसे बाबा बोलते हैं ना, परछाई के समान आपके पीछे पीछे आता रहेगा। अगर हम परछाई के पीछे लग जाएं तो परछाई आगे भागे। नाम मान शान तो ऐसी चीज है, आप पुरुषार्थ करो, आप आगे बढ़ो, वो तो मिलना ही मिलना है। ये तो जैसे बोलते हैं ना प्रत्यक्ष फल, नाम मान शान तो प्रत्यक्ष फल की तरह मिल जाएगा, लेकिन अगर हम उसी में अटक के रह जाए, अगर नाम मान शान नहीं मिला, नाम मेरा नाम नहीं हुआ स्टेज पर, मेरा नाम नहीं लिया तो खुशी गायब, मुझे सम्मान नहीं दिया गया, मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया तो खुशी गायब। देखा जाए तो भगवान जो सम्मान दे रहा है उसके आगे क्या सम्मान, ये कितनी बड़ी चीज है। जैसे एक है ना दादी प्रकाशमणि जी, एक बार हमारी दादी जो है जो डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है तो वो कपड़े पहन के बाबा के सामने गए थे, तो बाबा ने क्या कहा था कि बच्ची बाप ने जो तुमको सम्मान दिया, बाप ने जो डिग्री दी है उसके सामने ये क्या डिग्री है, इतनी ऊंची डिग्री। बाप क्या बोलता है कि बच्चे तुम मेरे सिर के ताज हो। कोई व्यक्ति है जो अपने आप को ऐसा दूसरे को किसी को ऐसा बोल सके कि तुम मेरे सिर के ताज हो? क्यों बोलेगा किसी को, सिर पे बोझ हो, वो ये तो जरूर को देंगे, ताज नहीं कहेंगे। तो जो सम्मान बाप हमें दे रहा है वो आत्माएं कैसे दे सकती है, इतना ऊंचे नजर से जो बाप हमें देख रहे हैं, क्योंकि बाबा को पता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हमें हमारा सब कुछ पता है बाबा को, तो उस अनुसार बाबा हमें सम्मान भी दे रहे हैं और सभी आत्माएं डिजर्व भी करती है। ब्राह्मण बनने के बाद देखो बाबा भी बोलते ना, चाहे लास्ट का मणका है, 33 करोड़ का लास्ट का मणका है, वो भी महान आत्मा है। क्यों? क्योंकि उसने बाप को पहचाना है। दुनिया की करोड़ों आत्माएं हैं, 700, 750, 800 करोड़ जो भी है, किसी ने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन तुम थोड़े से बच्चों ने बाप को पहचाना है। तो उसकी नज़र में तो हम श्रेष्ठ हैं ही हैं, तो लोगों की नज़र में श्रेष्ठ बनने की जरूरत ही नहीं है ना, जब उसने हमें पहचान लिया। सबसे मान लीजिए हमारी पहचान राष्ट्रपति से होगी, हम असिस्टेंट से, पीए से, या छोटे मोटे मंत्री से मिलके हम कहें कि ये हमें सम्मान नहीं देगा या हमें पहचानता नहीं, जब वो पहचान रहा है तो दूसरों की पहचान की हमें जरूरत क्या है, उसकी पहचान बढ़ी ना। हमारा रिलेशन उसके साथ में है ना, तो हम छोटी छोटी जैसे इन चीजों में अटक के रह जाता है ना व्यक्ति, तो खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा ने तो हमें अविनाशी खुशी दी है, उसके लिए रोज बाबा कोई ना कोई इंजेक्शन देते रहते हैं,
वैक्सीन देते रहते हैं, बूस्टर डोज, तो रोज रोज जागृत करते रहते हैं, जागो मेरे बच्चों, है जैसे मुरली में बाबा बोलते हैं ना, बच्चे तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हें साथ दे रहा है। तो ये बातें सोच के कभी कभी मुरलियों में जैसे अलग अलग पॉइंट से बोलते हैं ना, खुशी में तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, है ना, तुम्हारी दिमाग की नस फट जानी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं बच्चे खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, ठीक है ना, खुशी में खग्गियां मारो, उड़ते रहो, उड़ाते चलो। और खुशी में बाबा ने कहा अगर स्थूल डांस भी करना है तो खुशी में कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे बाबा को उदाहरण सुनाते हैं ना, बच्चे मैं क्या बनूंगा, मिचनू बनूंगा, उसी खुशी में, भविष्य की खुशी में रहें, है ना, तो हमारी खुशी बढ़ती रहेगी। हर एक मुरली में बाबा भिन्न भिन्न तरीके में खुशी के पॉइंट देते रहते, सुनाते रहते हैं। हाँ, दूसरा स्थूल भोजन तो ठीक है, लेकिन बाबा की स्थूल चीजें नहीं है, सूक्ष्म चीजें हैं, क्योंकि स्थूल तो भोजन है, जुबान तक है, अंदर गया टेस्ट खत्म, कितने समय खुशी रही, जब तक भोजन कर रहे हैं तब तक खुशी रही, है ना, भोजन खिलाते खिलाते ज्ञान सुना, नहीं, वो भोजन का समय ही होता है। लेकिन जो आंतरिक चीजें हैं वो आंतरिक चीजों से ही मिल जाएगी। अब खुशी भी अविनाशी चीज है, सूक्ष्म चीज है, तो वो सूक्ष्म चीजों के ऊपर ही आधारित है। हम बाहर की चीजों से खुश हो सकते हैं टेम्परेरी समय के लिए, लेकिन सदा के लिए खुशी चाहिए तो हमें आंतरिक चीजों को ही अपनाना पड़ेगा। तो ये है खुशी के लिए पॉइंट। हम भी अपने जीवन में अलग अलग खुशी को पॉइंट अपनाते रहते हैं, हर एक के लिए खुशी, अपने आप को खुश करने के लिए, चार्ज करने के लिए अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। जैसे किसी किसी को एक कोई ना कोई, जैसे हमारी सम्मानों की लड़ी चल रही है, उसमें किसी ने कोई सम्मान ले लेते हैं तो उसमें खुशी मिल जाती है, कोई ना कोई चिंतन कर लेते किसी बात के ऊपर, उसमें खुशी मिल जाती है। खुशी के लिए अगर हम देखें तो बाबा ने बहुत सारा खजाना दिया है। जैसे अभी मुरली में बाबा ने कहा ना, जैसे पॉइंट में, कि तुम खुशी के आपको क्या मिला, खुशियों की खान मिली है। तो बाबा वैसे भी बोलते हैं बच्चे तुम्हें खुशियों की खजानों के खान का मालिक बना दिया, और क्या चाहिए, है कोई चीज ऐसी जो लोग धन से नहीं, साधनों से नहीं, उन चीजों को, उन खुशियों को नहीं पा सकते। हम जैसे बोलते ना, जेब खाली हम विश्व के मालिक, कुछ नहीं है लेकिन खुशी बहुत है, खुशी है हमारे जीवन, और दुनिया में सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, तो हम श्रेष्ठ हुए ना। वैसे भी दुनिया में जो लोग हैं धन कमा रहे हैं या साधन लेके आ रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हो, खुशी के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर कुरा के भी खुशी नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हम खुश हैं, बोलते बेफिक्र बादशाह बना दिया मामा ने। तो ऐसी जीवन कितनी श्रेष्ठ है, हमें भी इस जीवन की बहुत वैल्यू होनी चाहिए। साधारण नहीं है हम अपने आप को, कभी कभी चलते चलते हम अपने आप को साधारण देखना शुरू कर देते हैं, ये साधारणता नहीं है। तो साधारणता लानी है हमें, बाहरी रूप से भले साधारणता लाएं, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे विचार जितने ज्यादा ऊंचे रहेंगे, जितने ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगे, हमारी खुशी बढ़ती रहेगी। तो ये हो गया हमारा खुशी कैसे बढ़े, खुशी में हम कैसे रहे। तो सम्मान था, मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं,
तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूं। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूं मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।